सीवान में मतदान कैसा चल रहा है? शुरुआती दौर है इस वक्त, 8 बजे से ज्यादा का वक्त हुआ है, कैसा मतदान देख पा रहे हैं आप वहाँ? बिल्कुल, देखिए अमित, बिल्कुल मतदान जो है कि बिल्कुल फेयर चल रहा है, और इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो है राजकीय मध्य विद्यालय बड़का टोला हथौड़ा। इस बूथ पे हम खड़े हैं जहां पर अभी फिलहाल थोड़े देर के लिए मतदान रुका हुआ है। दरअसल यहां पर जो मशीनें लगी हैं, उस मशीनों में बायोमेट्रिक सिस्टम जो लगाया गया है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है और नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। कहीं कहीं यहाँ अभी सुदूर देहात में ये नेटवर्क का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसके वजह से मतदान थोड़ी सी बाधित जरूर हो रही है, लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान बिल्कुल शुरू हो जाएगा। हालांकि अमूमन जब पिछले बार आप देखे होंगे सदर प्रखंड सीवान में जो मतदान हुआ था वो बिल्कुल फेयर हुआ था, उसी को लेकर अब जो ग्रामीण क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी मतदान अच्छा होगा। अगर मतदान की बात करें आज की, तो आज हुसैनगंज प्रखंड और एमएच नगर प्रखंड में आज मतदान हो रहा है, जहां पर कुल 27 पंचायत है, उन 27 पंचायत में मतदान। निरंजन, आप इस वक्त जहां मतदान केंद्र पर खड़े हैं और हम देख पा रहे हैं पीछे महिलाएं कतार में खड़ी हैं और लोग मतदान के लिए पहुंचे हैं, हम चाहेंगे जरा उनसे आप बात करिए, किस तरीके से देखते हैं वो इस चुनाव को और कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल, हम उनसे बात करेंगे, उनके पास हम चलते हैं, जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करते हैं, उन लोगों से बात करके जान लेते हैं कि जो आज मतदान है वो कितना शांतिपूर्ण है और इसके लिए कितना वो उत्साहित हैं। आज वोट किया जा रहा है, कितना आप उत्साहित हैं आज वोट करने आई हैं, गांव की सरकार को चुनने आप आई हैं, क्या कहेंगी? साफ सही बात है, उत्साहित हैं, खुश हैं काफी, सब ठीक है। बिल्कुल, देखिए ये महिलाएं हैं और गांव की ग्रामीण महिलाएं कम बोलती हैं। एक और महिला है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप कितना उत्साहित हैं आज मतदान किया जा रहा है, क्या कहेंगी? वोट देने आई हैं, गांव की सरकार को चुनने आई हैं, कैसा सरकार चाहिए, किस तरह का सरकार होना चाहिए, जो गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनको आप चुनने आई हैं, कैसा होना चाहिए जो आपके गांव का विकास करे, क्या इस तरह का चाहिए कि किस तरह का चाहिए? उससे आदमी के लिए, मुखिया के लिए अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये गांव की महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, और ग्रामीण महिलाएं कम बोलती हैं। हम जो पुरुष हैं उनसे भी बात करेंगे, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कितना उत्साहित हैं आज के मतदान में, और जो वोटिंग हो रहा है ये उसे कितना खुश हैं, क्योंकि गांव के सरकार को ये चुन रहे हैं, गांव का सरकार कैसे, इनसे जरा बात करते हैं। जी, आप बताइए गांव के सरकार को चुनने आ पाए हैं? जी, कितना उत्साहित हैं? काफी उत्साहित हैं, अच्छा होना चाहिए, जो सबका ख्याल रखे, सबका ख्याल रखे जी, उस तरह का सरकार चाहिए जी। अच्छा, अभी आप यहाँ वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग रुका हुआ है या क्या है, इतना स्लो जो चल रहा है वोटिंग? अभी थोड़ा यहाँ तो धीमा चल ही रहा है, धीमा चल रहा है, जैसा रेशियो चाहिए उसका नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैंने शुरू हुआ है, थोड़ा लेट से हुआ है वोटिंग, तो मशीन सेट करने में इन लोगों को लगा। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए।